जमाने में राजाओं और महाराजाओं के सामने चारणों की बड़ी अहमियत थी। वो बादशाहों के आबाओ अजदाद की तारीख, जंगी वाकयात, मजहबी ख्वाह कौमी दास्तान नस्र दर नस्ल अपने पास महफूज रखते थे। अब भी चारण वो कविताएं मुख्तलिफ महफिलों में पेश किया करते हैं, जिन महफिलों को हिंदी माशरे में रहान कहा जाता है। इन महफिलों का एहतमाम भी एक ख़ास अंदाज से किया जाता है। देवी शक्तिया उन्हीं जो सारा कयो उनजो छंद उगदा विधि धन उपज सरस्वती रह जो छाय रेणु सरण राज रह मैर कर मुझ माय उगदा विधि धन उपज सरस्वती रह जो छाय रेणु सरण राज रह मैर कर मुझ माय तो सुने संसार डी है उधार भार टाल भोमरी खुर्द गाम निज धाम अंदर नाम ईसरी प्रति पवेश शोभ देत श्री नंद नागरेश हरि सदा शाह जोग माय अंदर नाम ईश्वरी माँ अंदर आप ईश्वरी होवे हलक हाक डंक डाक डेरवा भवन वीर ओर पीर लार लीध भैरवा भुजा पशार जात तार तुत तार तेसरी सदा शाह जोग माय। चारण मुख्तलिफ मानी रखने वाला एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके हकीकी माने पर आलम व अकाबरीन हनूस मुत्तफ़िक नहीं हुए हैं। बास मुहक्किकीन का ख्याल है कि यह लफ्ज़ खाना बदोश लोगों की निशानदही करता है। बास आलम चारणों को चार औसाफ वाले लोग तसव्वुर करते हैं, जबकि कुछ दानिश्वर चारण लफ्ज़ को ख़ास ज़बान इसकी अदायगी और अपने मतलब की बात बयान करने पढ़ने या आरा रखने वाले लोगों के मायने भी देते हैं। चारण लफ्जान इनजो मानिया ऋण अल्फाज है माने ख्याल में संस्कृत रो मनिया चार गुण ऋण मनिया गुण तो इन कौम में चार गुण हैं। ये चार ही हैं जती मनिया जन्म का वी पंजवी तीस साल ताई बंदगी कई अल्लाह साईं जी पाक पोत रहन मैंने जो बनू जी उम्र पूरी कई पंजवी तीस साल ताई अच्छा यो जती पे जो गुण उन्हीं का पो सती मैंने जियरियूं सती चढ़ियूं जेके शक्तियूं थियूं आहिनि जो मां अहिड़ियूं अवां खे ऐं हज़ारूं सतियूं थियूं आहिनि को पंहिंजे पति ते चढ़ियूं आहिनि के पुटनि ते चढ़ियूं आहिनि के वरी जंगनि जे मैदान में सती ते चढ़ियूं आहिनि के किथे कावड़ में त्रागो धरणो ॾेई सती चढ़ियूं आहिनि। इहो टियों गुण सती पे जो चोथों गुण हींअर अवां शखी आहियो मिसाल अवां में मूं गुण ॾिठा त साईं रईस शखी आहे त मूं लिखी शाइरी कोन कई मूंखे हिते ई आहे हिते ई अवां खे मूं पंहिंजे शायरी करी ॿुधाई। चारण लफ़्ज़ जी जेका मान्या आहे उहा मुख़्तलिफ़ आहे। हिन वक़्त ते जेका मान्याऊं मिलनि थियूं उन्हनि मां हिकिड़ी मान्या आहे चारण लफ़्ज़ चवक मां निकितल आहे, थरी ॿोली लफ़्ज़ आहे चवक, जंहिंजी माना आहे ॻाल्हि पेश करण जो अंदाज़। ॿियो चारण लफ़्ज़ चारण माना चइनि गुणनि वारो। टियों जेका मान्या आहे उहा इहा चहर माना इंसाफ़ उन ई उहे माण्हू जेके इंसाफ़ु चाहींदा हुजनि इंसाफ़ु कंदा हुजनि जिन माण्हुनि जे हू कंहिं बि वसफ़ ते हू बयानु कनि इहा उनजी माना आहे। ऐं साॻी रीत हुनजी ॿी जेका मुख़्तलिफ़ जेके दानिशोरनि जिनि चारणनि ते तहक़ीक़ कयूं आहिनि उन में हिकिड़ी माना इहा बि ॾिनी वई आहे त हू चारण जेका आहे लफ़्ज़ चारण मां निकितल आहे, यानी चारण माना का माल वग़ैरह चारण ई चारण पंहिंजे दौर में वॾा भाॻिया बि रहिया आहिनि तमामु घणा ख़ासि तौर ते माल जे हवाले सां। ऐं ॿियो जेको ख़ासि तौर ते हिन वक़्त ते जेका हिकिड़ी राय आम आई आहे जेका उहा राय आहे त चारण जीअं हिंदू वर्ण में जेके चार वर्ण आहिनि त चार इहे वर्ण न पंजू वर्ण ऐं ईअं हिकिड़ो मशहूरु लोक दू आहे त चारण चोथों वेद भाणे जो भोइंग तणो चारण चोथों वेद माना ही चारण जेके वेदनि जा उचारींदड़ आहिनि। सो ईअं मुख़्तलिफ़ चारण जी जेका मान्या आहे। सो उनजे करे असीं मजमूई तौर ते हिन ॻाल्हि ते अचूं था त चारण जेको आहे उहो
जो वो लफ्ज़ है जो लफ्ज़ अकल विद्या पैनी गाल जी खूबसूरती में पेश करने के हवाले से लफ्ज़ बीहे थी वहा माना चारण के हवाले से बेहतर भी। चारणों के हवाले से यह बात सच है कि उन्हें कभी भी चैन और आराम नसीब नहीं होता और वो अपने देश और लोगों की जबान बनकर कोई ना कोई कविता तख्लीक कर लेते हैं और फिर इसी कविता को अपने अनोखे अंदाज से राजाओं महाराजाओं नवाबों और सरदारों के सामने पेश करने से भी नहीं झिझकते। इन खास कविताओं के एवज बाज़ औक़ात सरदारों राजाओं और महाराजाओं को अपने सर का दान भी देना पड़ जाता है। माजी की दास्तानों में राई दियाज जैसे हाकिम का सर कलम करना और माजी करीब में नंगर पारकर में एक ठाकुर का सर लेकर खुश होते जैसे किस्से भी असल में चारणों से ही वाबस्ता और मंसूब रहे हैं। दादो राम जी नालो मुझे नालो सरदार सिंह मुझे पीज नालो हीरो जी हीरे जी पीज नालो भूपो जी भूपे जी पीज नालो तेजमाल जी पीज नालो राम जी जै चारण के शीस दिनों सिर दिनों चारण रावत दान आयो और रावत दान सखावत की लिहाज का सजे पासे फिरी शखियन का चीन आयो राम जी वट राम जी के चई तो भाई हाँ आऊँ आयो उन पैं जो सो खाण पीण जो रसोई थे थी वो तैयार कर चन ना बी गाल को मुझे जो शर्त पूरा करें तो आऊँ जो सो मानी खाइंदुस न तो कौन खाइंदुस तदे इन चो तो बिल्कुल शर्त पूरा करण राजपूत आया बिल्कुल शर्त पूरा कंदुस तदे इन चो तो आऊँ तोखा सिर घुरा तो कि आऊँ सिर दियन ला तैयार है सिर। एक अरसा कबल सिंधो हिंद में चारणों के कबाइल एक दूसरे का हिस्सा रहे हैं। ताहम तकसीम हिंद के बाद अब हिंद और सिंध के चारण अपनी जुदागाना शनाख्त रखते हैं। पहले चारणों की कविताओं का औज उरूज था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चारणों की जानिब से कविताएं तख्लीक करके उनको महफिलों में पेश करने वाला रिवाज मुकम्मल तौर पर ना सही ताहम बड़ी हद तक कम होकर रह गया है। घर घर महत्म घोर अम्बावरण रथ पहायो उलट घट से योर सरवर सजल सह भर जा पर घर नीर अबर अंग बभूद नावण जो जटा मुकुट जन धर डूंगर हरिया सर हुआ घर घर नीला गातर अंगण चौहटन गाव जो रमणपुरी रघुनाथ तो अंत सामल देख मास रमण रास रंभारा जिंक जिंक वांग भंग को रंग धातुर को भोजन अक को मोछन मुंह अड़ायो पैरन को पिताम्बर पटु ओढ़ को बाघम्बर लायो देख सखी गौरी को डोलो वेल चढ़े वर विवाह रचावण आयो। चारणों के कबीले की 120 शाखें हैं जिनमें से कई शाखों से वाबस्ता चारण अब भी सिंध में रिहाइश पजीर हैं। चारणों के कबीले की जो शाखें मशहूर हैं उनमें नारा माधा चोरारा गनकानी मेसमा मीरथरो बीझल रत्नो और दीगर शाखें शामिल हैं। इन शाखों में भी चारणों की जुदा गाना बिरादरियाँ एक साथ मिलकर चारणों के एक वसी कबीले को जन्म देती हैं। चारण जे रायचंद हरिजन साहब पैं किताब तारी रेगिस्तान में बेन भी जे मुख्तलिफ़ जिन चारणी अदब से कम किया है बरसगीर में या दुनिया जहान के बेन केतरन ही मानून जिन में मुख्तलिफ़ राइटर मौजूद उन चारणन की 120 नुखू जो चारणन में गणी वन उन मुख्तलिफ़ पाड़ा 12 पाड़ा वरी मुख्तलिफ़ पाड़े में पाड़ो ये जे बुनियाद तौर से जो मेन पाड़ा उन में 12 पाड़ा उन 120 जो उन नुखू थन थी हाँ वो नुखन में भी वो मुख्तलिफ वक्त गुजरण से वरी बू नंढा नंढा पाड़ा जी वधंदा था वन शाखू वधंदी थी वन ये उनका पाड़ा मौजूद हैं। सिंध के सहरा और बैराजी इलाकों में मुस्लिम और गैर मुस्लिम चारणों के कबाइल रिहाइश पजीर हैं। मुसलमान चारणों ने तो अब अपना बुनियादी काम तर्क ही कर दिया है ताहम वो लोग अब भी खुद को चारण ही कहलवाते हैं।
हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले चारणों ने कविताएं कहने वाला काम मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं किया है। इस धर्म से ताल्लुक रखने वाले चारण थरपारकर में ही आबाद हैं। जिन इलाकों में ये लोग आबाद हैं, इनमें खारो चारण, नौ छोर, चारण होड़, मछड़ियो चारण, रतन कातर, राठी चारण, भोपों की वेरी, गुडरू चारण और गात्रू चारण शामिल हैं। ज़्यादातर चारणों की मस्कूरा बरादरियाँ ठाकुरों की आबादियों के बराबर आबाद हैं, क्योंकि ये लोग ख़ुद को ठाकुरों की आबादियों में ज़्यादा महफूज तसव्वुर करते हैं। ठाकुर इन करे एकड़ी तो शक्ति है चारण चारण जो है वो देवी पुत्र इन हिसाब से ठाकुर भी कन था घर घर बया हिंदू मानू भी कन था के मुसलमान जानू आन जे खबर आन उ भी कन था नवनेजो एक नालो हों नवनेजो नव रात छोकरी शादी थी तो वो एक बादशाह वट होंगी वो नवनेजो चारणन खत्म करायो उन दिन का चारणन जी हाँ उन टाइम भी इज्जत हुई उन अज दिन ताई राजपूत जै ठकुर है राजपूत है छत्री है उनके खबर पे जय माता जो चारण आए तो वो उठी बीन उन मथे जाए दी पान से गुड मथे बिहारी तो भाई हि शक्ति जो औलाद है इन में जेका गुण है यो बे में कोने ही असो मुर्शिद है ही असो पीर है। चारण खुद को राजपूत कबीले से तसव्वुर करते हैं, इसलिए इनका रहन सहन, मरने और शादी ब्याह की रसूमात भी राजपूतों से हम आहंग हैं। ये कबीला पर्दे का पाबंद है और अपनी खवातीन को घरों से बगैर पर्दे के निकलने की इजाज़त नहीं देता। चारण दिखने में खूबसूरत लगते हैं, इनके कद लंबे और रंग सफ़ेद होता है। मर्द राजपूतों की मानंद ताकतवर और बदन में भरे भरे नजर आते हैं। बड़ी मूछें रखने का उनमें भी रिवाज है। बास लोग अपने सर के बाल भी लंबे रखते हैं। कुछ चारणों की अलग पंचायत भी होती है जिसको वो घरदेरा कहते हैं। ये पंचायत उनके समाजी मसाइल में इनकी रहनुमाई के साथ साथ इनके फैसले भी किया करती है। हिनन जी रहनी कहनी कल्चर शादियों मुरादियों मरण जीअण लेडीज़ चाहे मर्दन जी ड्रेसिंग हिनन जी ऐं असां राजपूतन जी में कोई फ़र्क़ु कान्हे। असीं राजपूत मोस्टली जेको आहे सो वॾी उमिरि जा माण्हू पंजाह खां मथे पटको ॿधी ने टेटो पाइनि था। औरतूं असांजो घर में जेका असांजी ओरिजिनल ड्रेस आहे पोलको ऐं घाघरो उहे इन्हनि जी लेडीज़ खे बि हूंदो असांजी लेडीज़ खे बि हूंदो। तव्हां ॻोठ में इहा सुञाणप कोन था करे सघो त इहा चारणनि जी औरत आहे या राजपूतन जी का औरत आहे। इन्हनि जी असांजी ड्रेसिंग औरतनि जी हिकु जहिड़ी ई आहे। राजपूत कबीले से वाबस्ता लोग चारणों को इज़्ज़त व ताज़ीम की निगाह से देखते हैं और उनकी दुआ और बददुआ पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। इन लोगों का ख्याल है कि चारण देवी पुत्र यानी देवी की औलाद हैं, इसलिए उनकी इज्जत व ताज़ीम उनसे बढ़कर है। राजपूत देवियों की पूजा करते हैं और उनकी अक्सर देवियां चारणों में ही पैदा हुई हैं। दान देते वक्त भी राजपूत चारणों के पांव पड़कर फिर उनसे मुसाफहा करते हैं। परणी जय सारी पर थवी गवरी जय सुढ़ा जैसे चावो पाभुअर जरो धनी जय धींग वो अमला वेड़ा आप नारंग हो सुढ़ा भूपत सिंह हेमा हियो महार तें भेड़ा सिंह सिरदार केसर ननाणा कालूवाणी महा सिंह मणियाधार जय माता जी कंवर साहब जिन में रह वधाए जय माता जी जय माता जी लख वधाए जय माता जी जय माता जी लख वधाए लख वधाए लख वधाए बाड़जी बा पधारो जी 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 साहब लख वधाए। देवी माता पार्वती ऐं शिव शिव जो ये औलाद पंहिंजो पाण खे सॾाइन था जेको असां हिननि जे धर्म हिस्ट्री मां ॿुधो आहे या जीअं पढ़ियो आहे। पोइ जेका बि हिंदू समाज में असीं देवियूं पूॼींदा आहियूं उहे सभई देवियूं इन्हनि जे घर में जनम वठनि थियूं। हिंगलाज माता जो जनम ई ॾेवल जी खे तस्वर कयो वञे थो। ॾेवल जी जो थान खारोड़ो में आहे, ॻोठ खारोड़ो में जॾहिं ॾेवल जी शादी करे आई त 18 वरण जेके हुनजा कसबी हुया उहे राजा गढ़सी हुनखे ॾाइजे में ॾिना हुआ। ॿियो कितारी में
जुमा जो थान है वो भी वो थान है बया जो पार्कर में चारण वेठा जै कुल में मिसाल तौर अस गुठ में असा चारण डेथा राठौड़ उन्होंने चारण रोहड़िया मैया चारण आन इन्हें कुल में जैसे कुल में देवियन जन्म वरतो है उहे कुल जी देवी के पुजारी नवरता रखी ये पैंजे औरतन मर्दन समेत नौ ही दिन उन्हें देवियन की स्थापना कन अस्तुति कन भजन भावी कन उन्होंने मंदिरन में रही उते शेवा पाठ भी कन। चारण अपने गले में काला धागा बांधते हैं और जब वो कोई कविता पेश करके दान लेने जाते हैं तो उनके कंधों पर काली चादर पहनी हुई होती है। ये दोनों चीज़ें चारणों की खास शराख्त हैं। इन खास निशानियों के हवाले से उनके पास मुख्तलिफ दलाइल भी हैं। धागो आए असांजी चारण जी निशानी गले में कारो सगो कारी लोई आद अनाज चारण फकीर जी निशानियां लोई असांजी असुल खां हुई कारो सगो असांखे साईं बादशाह पीर दसगीर जीलानी खां मिलियो जीलानी बादशाह पीर मंदिर अंदाज़ वा तेसीं उते आयो चारण फकीर तरे चारण फकीर के बादशाह पीर दसगीर चयो बाबा चारण फकीर तू अगे फकीर आणा घर आई ही आऊं तोखे सगो तो ॾियां तुंहिंजी दुआ पिट अॻे खां बि वध ते हलंदी तरे चारण वठो ही लोई के साईं हाणे जी लोई अवां खे आऊं थो ॾियां जी अव्हांजे खानदान जी दुआ पिट हलंदी अॼु खां पाण लोई ऐं सॻे भाउ आहियूं फकीराणो लिबास उन ॾींहं खां हीअ असांजी निशानी आहे वॾे में वॾी चारण जी। चारणों के कबीलों से जन्म लेने वाली देवियों के मुख्तलिफ थान भी मशहूर हैं। देवियों के ये थान थरपारकर जिले की हदूद में हैं, जिनमें से देवल देवी का थान खरोड़ो चारण और जुमा देवी का थान छाछरों के इलाके में है। नंगर पारकर में भी एक देवी का थान मौजूद है। इन थानों में हिंदू धर्म से वाबस्ता कुछ खास कबाइल पूजा पाठ करते हैं। चारण बुनियादी तौर पर ज़िद्दी हैं। उनकी ज़िद और एहतजाज भी तारीख़ में नुमाया रहा है, इसलिए उन्हें एक मुनफरिद और फ़कीर कबीला भी समझा जाता है। चारण जी का उन्हें जो हथियार ही सिर्फ़ एहतजाज है, उन वटि यकदम उनके शक्ति अची वेंदी, उन दुआ पिट बि आहे उन वटि त शक्ति बि आहे। जेकॾहिं उन सां अन्याय थिए थो, उन सां नाइंसाफ़ी थिए थी उन चारण खां, त उन जाइ ते हू एहतजाजनि पंहिंजो पाण खे ख़तमु करे छॾंदो आहे, पंहिंजो पाण खे ख़तमु ओॾी महिल भस्म करे छॾंदो। अहिड़ा हज़ारे वाक़िया थिया आहिनि चारणनि जेका आहे माण्हुनि जूं सहायता कयूं आहिनि। चारणनि माण्हुनि खे अलाए किथे जो किथे दुआनि में पहुची विया, पर गॾोगॾु चारण जी पिट बि झलणु ॾाढी ॾुखी आहे। इन जा अहिड़ा अहिड़ा अनेक अव्हांखे वाक़िया ॿुधायां जो हिक में हिकु पिया आहिनि, हिक खां हिकु उन जा परचा पिया आहिनि, हिक खां हिकु वाक़िया पिया आहिनि। उन में ही चारण पोइ उन जाइ ते शक्ति उन में अची वेंदी आहे, पोइ उहो पंहिंजी जाइ ते बसि पंहिंजो पाण खे ख़तमु करे छॾंदो आहे। पोइ इन करे अॼु जो माण्हू ईअं सम्झे थो त चारण में ज़िद वधीक या चारण एहतजाजी तौर ते पंहिंजो पाण खे ख़तमु करे थो, बाक़ी चारण कॾहिं बि भाला खणी तलवारूं खणी कंहिंसां तकरार कोन कंदो। हा, छंद चई कविता चई अहिड़ो माण्हू खे मथे उभारींदो जीअं शक्ति उन जी सहायता करे, इहे शइ चारण करे सघे थो। चारण बुनियादी तौर ते हू समाज जो उहो किरदारु हुआ जेके जिन माण्हुनि जिन वटि हिकिड़े गुण में उहो जेका इलम बि मौजूदु हो त
बे गुण में उन्होंने राजपूतन वांगर वेड़ जो जो सुपे सालारी जो या जो विढ़ण जो भी उनमें सग मौजूद हुई है। एक वक्त से हु इलम अदब जो गेवार हो तो सागी वक्त से बहादुर भी जंगन के मैदान में विढ़ो पे उन चारण राजान महाराजन जा सलाहकार भी हुआ उन्होंने जा उस्ताद भी हुआ। सागी रीत चारण आम मानू ताई आम खां आम मानू जो राज भाग जो आम खां आम मानू उन जो भी चारण बाह मिली रो साथी रो उन आम मानू जदें पैंजी गाल पैंजे राजा खां पैंजे महाराजा खां पैंजे रईस खां पैंजे वडे ताई गाल पहुंचानी है तो हुन वनी वरी चारण के चयो साई मुझे ही मसलो है। चारण आम मानू जी रखवाली भी कई है हुन आम जेकने कें जाए ते राजा महाराजा हुन जेकने गाल नथो मने जेकने हुन आम मानू जी रखवाली नथो करे इंसाफ नथो करे उनकी तकाजा ते पूरो नथो लए त उन चारण उनके उनके निंदियो आए टोक्यो आए। थरपारकर में आबाद हिंदू धर्म से वाबस्ता चारणों की बुनियादी जबान ढाट की है, लेकिन जिस जबान में वो कविताएं बनाकर पेश करते हैं उस जबान में हिंदी, गुजराती, सिंधी और ढाट की जबान के अल्फाज भी शामिल होते हैं। कहा जाता है कि चारण कच्छ भोज की यूनिवर्सिटी से पिंगल भाषा और डिंगल भाषा की खास तरबियत भी हासिल करते हैं। पेंगल और डिंगल बुनियादी तौर पे मशहूर चारण थे जिनकी तख्लीक की गई जबानों को उनके ही नाम से मंसूब कर दिया गया था। इन्हीं जबानों में चारण कविताओं की मुख्तलिफ असनाफ बयान करते आए हैं जिनमें दोहे, गीत और मरसिये शामिल हैं। अर्ज सुन जी त शक्ति असांजी देवी ही देवल जी थी आ खारोड़ो चारण में मशहूर था। वडो मेलो लगे तो सारी दुनिया अचे थी जी हिंगलाज से वाबस्ता है यो तारीखी आए आऊँ कह तो बुधाया तो अवा बुझो शक्तियाँ समरा सारिया जुक्ति सा जपा जोग नाम समरा नवलाखरो महादुख मेटो रोग संबत 1454 चेत्र माँ हिंगलाज नाई है हेत सा डिथे भूपत दान हाथ चूड़ हेमर देवी दिनो वरदान खारोड़े पधारो खांडाली उथापा अवचल थान संबत 1535 बारश बुधवार श्रावण पक्ष शकल मां आई लियो अवतार शक्ति जन्मी सिंध्याइत घर माड़वे लियो अवतार ओजणो आणते जेसण आया जान आई मेटी अफूंटी देवल जी देवान अंजल पानी नहीं आरोग तो टूटे जा तो प्राण गांठ मेटी गड़सी जी देवल जी देवान पहलो परवाड़ो पायो आई जी जेसाण गड़सी जी ना गडवाना 18 वरण आण डाए जो दिनो देवल ना जाधव गड़ जेसाण। सिंध में चारण साजो संगीत के हवाले से भी मशहूर रहे हैं। समन चारण सुमरा दौर के बड़े शायर थे। उन्होंने शहीद दुदो सोमरो की शहादत के हवाले से भी शायरी की जो कि अदबी तारीख का एक हिस्सा है। इनके अलावा अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने भी चारणों को अपनी शायरी में खूब गाया है। भिटाई के रिसाले का सुर सुरठ उसकी लाजवाल मिसाल है, जिसमें उन्होंने बेजल नामी चारण के सुरों की तारीफ करते हुए कहा है कि वक्त के हाकिम राई डियाज उसके सुरों पर मभूत होकर उसको दान में अपना सर भी नजराने के तौर पर देने से गुरेज नहीं किया। बठ सिर थी सरहो मकी गाय मगाए बठ सिर थी सरहो मकी गाय मगाए जाज कतो मथा मुल्क मिड़ोई घोड़िया। राज दिया तुम्हें
साहिब सदको दिनों राज दिया साहिब सदको सुर सहार सिंगार करे गड़ गड़ा मल गड़ मार मल लथी है शायर तो चाहे माले उतरी झर रे झनकार बगी पगारी पायलनी ओ दूजे गलगलना तुंगी तंग तवार यार चारण राजपूतों की मुख्तलिफ बिरादरियों में रिश्ते भी तय कराते हैं। उनकी इज्जत और ताजीम के बाइस राजपूत चारणों के तजवीज़ किए हुए रिश्ते से इनकार नहीं कर पाते। चारण खुद भी राजपूतों के कबीले की तरह यानी एक ही शाख में शादी करते हैं। इनकी अक्सर शादियां वट्टा सट्टा की बुनियाद पर होती हैं। इनकी शादी ब्याह की रसूमात राजपूतों की रसूमात की मानंद होती हैं। चारण खुद भी माल मवेशी पालते रहे हैं, ताहम उनकी जिंदगी का गुजारा शायरी पर ही होता है, जो कि वो महाराजा राजा नवाबों और सरदारों के सामने पेश करके दान की सूरत में हासिल करते रहते हैं। आज के दौर में अगरचे चारणों को मिलने वाले दान का रिवाज बदल गया है, ताहम अब भी राजपूत कबीले सालाना इन चारणों को दान में कुछ न कुछ देकर इनकी जरूरियात पूरी करते रहते हैं। यो चारणन जो कम हो उन टाइम जी हकीकत के बयान करण या तारीखूँ रखण बुधायण लिखण तो उनको कमाई केर करे तने राजपूतन फिक्स कयो तो असां पेंजी कमाई मां दहूं हिस्सो जो सो चारणन के दींदासीं वो अज दी ताई असां वठंदा आहियूं जो असां जो पेंजो विरहायल राजपूतन सां जो जातियूं मुख़्तलिफ़ आहिनि तो उन्हनि मां दहूं हिस्सो अज भी असांजो उन ते फिक्स थियल है या शादी मुरादी आए या को मंगणो आए तो उनमें हु वीरमुठ भी भराइंदा तो जो पैसन जो थाल भरे रखंदा तो उनमें जेतरो हथ एकड़े सा अचे तो वठी सकन ता पो लाख पैसा करोड़ पैसा ये दान जो ताइन को आई हो। चारण सिर्फ राजपूत कबाइल से ही वाबस्ता नहीं रहे, ताहम मुसलमान नवाबों सरदारों और हाकिमों के सामने भी इन चारणों की बड़ी अहमियत और इज्जत रही है। चारण सिर्फ हाकिमों नवाबों और सरदारों की सनाखानी ही नहीं करते रहे, बल्कि उन लोगों में सच कहने की जुर्रत भी कमाल की होती है। खुद चारणों में ऐसे चारण भी होते हैं जो कि चारणों को अपने फराइज से गाफिल नहीं रहने देते। ऐसे चारणों को मोती सराय कहा जाता है।
मोती सराय सिंध में इस वक्त रहायश पजीर नहीं है। असल चारण जी या सुजान पाए सच भगता सामी भगत पटुवलो भी होए शिव शक्ति उपासक सोई सचा चारण सोए। मतलब चारण सच चवण वारो सच भगता सामी भगत अला जो भगत अला जो नालो वठण वारो भगवान जो नालो वठण वारो शक्ति जो नालो वठण वारो राजा हुजे या रंक हुजे किडी भी पंहिंजी लालच हुजे काबू लालच न रखंदो सच ते मुंह ते सच चवण वारो राजबाग में सच चवण वारो इहो चारण जी ख़ासियतूं आहिनि। सिंधी माशरे से अब चारणों की भाषा नायाब होती जा रही है। सिंध में ना तो वो राजा महाराजा रहे हैं जिनकी दिलेरी सखावत और फैयाजी जा बजा मशहूर थी, और ना ही अब वो हाकिम और सरदार सिंध में कहीं नजर आते हैं जिन्होंने अपने सर का दान देकर जबान की लाश तो रखी लेकिन चारणों को खाली हाथ लौटाना मुनासिब नहीं जाना। चारणों के कबीले और उनकी बिरादरियों पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है ताकि इस कबीले के हसब नसब रस्म और रिवाज और माशरे पर उनकी गहरी नज़र और कही जाने वाली कविताओं को महफूज किया जा सके। सिंध को माजी की तरह चारणों की आज भी अशद ज़रूरत है क्योंकि सिंध का ये वही कबीला है जो जंग जदल या अम के दिनों में लोगों को उनके फ़राइज़ याद दिलाने के साथ साथ उनकी खामियों और खराबियों की भी निशानदेही करता रहा है। पटनता पढ़ो फिरो पई मई ते मार जुबी जुब झलो रतो हीरो लाल करो सभी भलायूं भाल बीजल अची बीड़ो झलो